हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है सोनिक टॉक्स की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि पबजी का मालिक कौन है। जी हां दोस्तों, यही है आज का टॉपिक। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि रोज़ाना मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप गेम खेलते हैं और आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है तो आपने पबजी का नाम तो सुना ही होगा और आप में से कई लोग इस गेम को खेलते भी होंगे और रिसेंटली ये गेम काफ़ी पॉपुलर हो चुका है इंडिया में। तो दोस्तों, आखिर ये गेम बनाया किसने है? तो दोस्तों, अगर इस गेम को बनाने की बात की जाए तो इस गेम को बनाया है ब्रेंडन ग्रीन ने। जी हाँ दोस्तों, ब्रेंडन इस गेम के डिजाइनर और डायरेक्टर हैं और उन्हें ऑनलाइन प्लेयर अननोन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ब्रेंडन अपने गेमिंग करियर से पहले एक फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर और एक वेब डिजाइनर भी थे और उनका गेमिंग में पहले से ही काफी इंटरेस्ट था। और दोस्तों, वो एक पहले से ही एक बैटल रॉयल गेम बनाना चाहते थे और वो ऐसे अकेले इंसान नहीं थे जिसे इस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट था। एक और ऐसे इंसान थे जिन्हें इस कॉन्सेप्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जिनका नाम है चैंग हैंग किम। जी हाँ दोस्तों, चैंग और ब्रेंडन ने मिलके बाद में पबजी बनाया। दोस्तों, चैंग हैंग किम की कोरिया में एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लू होल। दोस्तों, ब्लू होल आपने देखा होगा, जब भी आप गेम स्टार्ट करते हैं तो ब्लू होल का टेक्स्ट आता है। तो दोस्तों, ब्लू होल के वो मालिक थे। तो दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर काफ़ी समय काम किया इस गेम को बनाने में। एक साल में उन्होंने ये गेम बना दी थी। दोस्तों, फिर बाद में ये गेम काफ़ी पॉपुलर हुई। दिन ब दिन इस गेम का क्रेज़ बढ़ता चला गया लोगों पे और इस गेम को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग गेम का भी अवार्ड इस गेम को मिला है। दोस्तों, अगर हम बात की जाए कि पबजी गेम का कोई सिंगल ओनर है कि नहीं, तो दोस्तों नहीं, इस गेम का कोई सिंगल ओनर नहीं है क्योंकि इस गेम को काफ़ी कंपनी ऑपरेट करती हैं, लाइक टेंसेंट। आपने टेंसेंट भी देखा होगा। टेंसेंट दोस्तों, इस गेम टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है जो कुछ परसेंटेज इस गेम से अपने पास रखती है। तो दोस्तों, काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं इस गेम के। सो डैट्स वाई कोई इसका सिंगल मालिक नहीं है। गेम जैसे जैसे कोई भी गेम होती है पॉपुलर होते रहती है तो उसको ऑपरेट करने के लिए एक सिंगल बंदा काफ़ी नहीं होता है, तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज़ इस गेम्स को ऑपरेट करती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और पबजी की कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई अच्छा टॉपिक है आपके दिमाग में तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊँगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय।